भूમધ્ય સમુદ્રમાં સર્જાયેલું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ કાશ્મીરમાં હિમવર્ષા કરીને મધ્ય એશિયા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। આ સંજોગોમાં હાલ ઉત્તરાખંડના 2500 મીટરની ઊંચાઈએ આવેલા હિલ સ્ટેશનનો પણ મહત્તમ તાપમાન 5 ડિગ્રી છે। નૈનીતાલ, મસૂરી, રાગની ખેત, चक्राता और मुक्तेश्वर में तो लघुत्तम तापमान पर 4-5 डिग्री थी वधु छे। आ स्थळे डिसेम्बर मध्य सुधी लघुत्तम तापमान 0-4 डिग्री होवो जोईए, जे हाल 7-9 डिग्री सुधी छे। 4000 मीटर की ऊंचाई आवेला पहाड़ जेवा के हरकीदून, गौमुख, सुरकंडा और ओली पर पण हजु सुधी हिमवर्षा नथी थई। वेस्टर्न डिस्टर्बन्स नो मार्ग भटकाई जवाना कारणे उत्तराखंडना ग्लेशियरोना स्नो रिचार्ज में संकट सर्जायो छे। जो स्नो रिचार्ज ना थाय तो समयांतरे ग्लेशियर वधु पीगळवानो जोखम रहे छे। भूमध्य समुद्र में शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सर्जायो छे, ते सक्रिय थया पछी हिमाचल और उत्तराखंड में हिमवर्षानी शक्यता छे। स्कायमेटना महेश पालावतना मते उत्तर भारतना मैदानी विस्तारों सहित मध्य भारतना केटलाक स्थळे पारो घटी शके छे। हवामान विभागना मते 15-16 डिसेम्बर पछी दिल्ली और आसपासना विस्तारों में ठंडा पवननी असर वर्तावे ने अने धुम्मस पण छवाशे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24 न्यूज़।